इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड द इंटरेक्शन ऑफ इट विद द एटमोसफियर क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी रेडिएशन या तो जो भी एनर्जी सन से आती है वो एटमोसफेयर से दो बार इंटरेक्ट करती है एक बार तो ऑब्जेक्ट से एक बार ऑब्जेक्ट पर पहुँचने से पहले और दूसरी बार जब ऑब्जेक्ट से सेंसर की तरफ जाती है तो भी तो जो एटमोसफेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उसकी वजह से जो अल्ट वो ई एम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी ठीक है तो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि जो आपका वाटर होता है वाटर वेपर होता है ओजोन प्रेजेंट होता है सीओ टू प्रेजेंट होता है ठीक है ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को इन्फ्लुएंस करता है वो दो पैरामीटर्स की वजह से इन्फ्लुएंस करता है एक होता है स्कैटरिंग एक होता है एब्जॉर्प्शन ठीक है देखिए कहने का मतलब है कि जब आपका सोर्स से आ रही है रेडिएशन ठीक है सोर्स से रेडिएशन आ रही है बीच में एटमॉस्फेयर पड़ रहा है तो एटमॉस्फेयर में आप डिफरेंट आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं अब उनसे इंटरेक्ट करेगी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी क्लियर है तो यही इंट्रैक्शन जो होता है वो दो पैरामीटर्स की मदद से होता है वो होता है एक स्केटरिंग और एक होता है एब्जॉर्बन ठीक है तो हम वन बाई वन पढ़ते हैं स्केटरिंग का मतलब है इट इज़ अ डिफ्यूजन ऑफ रेडिएशन बाई मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज डस्ट एंड स्मोक इन द एटमोसफेयर यानी कि कहने का मतलब है कि जब आपकी रेडिएशंस पड़ती हैं किसी भी पार्टिकल्स पे तो वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाती है डेविएट कर जाती है यानी कि डिफ्यूज़ हो जाती हैं ठीक है थिके? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्कैटरिंग कहते हैं अब बेसिकली स्कैटरिंग की वजह से क्या हो रहा है स्कैटरिंग की वजह से इमेज की क्वालिटी जो होती है या तो इमेज का जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो कम हो जाता है क्योंकि कहने का मतलब है सपोज़ आपका जो टारगेट है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ हर डिफरेंट वेवलेंथ के लिए अलग अलग उसकी रिफ्लेक्टेड एनर्जी होगी यानी कि वो अलग अलग वेवलेंथ को अलग अलग तरीके से क्या करेगा रिफ्लेक्ट करेगा किसी वेवलेंथ को वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा किसी वेवलेंथ को कम रिफ्लेक्ट करेगा ठीक है सपोज वो जिस वेवलेंथ को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है ठीक है तो वो वेवलेंथ सन से आ रही है अब वो सन से आ रही है वो एटमोस्फेयर से इंटरेक्ट कर रही है तो जब एटमोसफेयर से इंटरेक्ट कर रही तो पार्टिकल्स की वजह से स्कैटर हो रही है यानी कि एनर्जी का लॉस हो रहा है अब उतनी एनर्जी आपकी उतनी वेवलेंथ या तो उतनी एनर्जी आपकी टारगेट पर पहुँच नहीं रही है तो अब जो टारगेट से निकलेगी जो रेडिएशन जो सेंसर रिकॉर्ड करेगा या तो जो उसके इमेज डेवलप करेगा ठीक है उसका जो कॉन्ट्रास्ट होगा या तो क्वालिटी कह सकते हैं इमेज की वो आपकी क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी ठीक है क्योंकि आपकी एनर्जी का लॉस हो रहा है ड्यू टू तो स्कैटरिंग और साथ ही साथ आपका क्या करता है इट रिड्यूसर्स इमेज कॉन्ट्रास्ट एंड स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स ऑफ ग्राउंड ऑब्जेक्ट्स स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स क्या होते हैं देखिए हर ऑब्जेक्ट पे जो इंसिडेंट रेडिएशन होती है ठीक है अब ऑब्जेक्ट की करेक्टरिस्टिक की वजह से और पर्टिकुलर वेवलेंथ की वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या करता है उसको रिफ्लेक्ट करता है ठीक है उसको रिफ्लेक्ट करता है तो उसको हम एक टर्म में डिनोट करते हैं जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेंस जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेंस रिफ्लेक्टेंस क्या होता है कि जितनी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है रिफ्लेक्टेड एनर्जी डिवाइडेड बाई इंसिडेंट एनर्जी ठीक है इसको हम परसेंटेज में निकालते हैं ठीक है इसको हम परसेंटेज में निकालते हैं इस इसको कहते हैं रिफ, रिफ्लेक्टेंस यानी कि कितनी एनर्जी आपका ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है डिवाइडेड बाय उस पर कितनी पड़ रही थी इसको हम किसे डिनोट करते हैं रिफ्लेक्टेंस से है। अगर हम रिफ्लेक्टेंस को अब देखिए हर पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए अलग अलग रिफ्लेक्टेंस होता है देखिए आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट वेवलेंथ की आपकी वेव्स प्रेजेंट रहती है रे तो रेडिएशन प्रेजेंट रहती है अब हर रेडियंस का सेम रिफ्लेक्टेंस नहीं होता है ठीक है क्योंकि रिफ्लेक्टेंस आपका ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करेगा और साथ ही साथ कौन सी वेवलेंथ उस पर पड़ रही है उस पर भी डिपेंड करेगा तो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स क्या होते हैं स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स होते हैं अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए रिफ्लेक्टेंस रिफ्लेक्टेंस और वेवलेंथ के बीच का कर्व खींचे तो उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स ये आपका मदद करता है कि ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए ठीक है अब हर ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए उसका अलग रिफ्लेक्टेंस होगा ठीक है यानी कि कहने का मतलब है सपोज अगर दो माइक्रोमीटर की कोई वेवलेंथ है और तीन माइक्रोमीटर की वेवलेंथ है तो दो माइक्रोमीटर की वेवलेंथ के लिए अलग रिफ्लेक्टेंस होगा और तीन माइक्रोमीटर के लिए अलग रिफ्लेक्टेंस होगा तो इसके बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं प्रोवाइड कर सकते हैं तो आपका ये क्या करता है स्कैटरिंग क्या करता है स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स को भी क्या करता है रिड्यूस कर देता है क्योंकि आपकी जितनी इंसिडेंट होनी थी उतनी नहीं हो रही है ठीक है उससे पहले ही वो क्या हो जा रही है एनर्जी स्केटर्ड कर जा रही है ठीक है अब स्कैटरिंग दो टाइप की होती है सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव सेलेक्टिव में आपकी सेलेक्टिव होती है ठीक है सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव बेसिकली डिपेंड करती है पार्टिकल साइज पे कि कौन सा पार्टिकल की पार्टिकल की साइज क्या है जो रेडिएशन को स्कैटर कर रही है अब सेलेक्टिव में रेलिक्स है और माई आता है रेलिक्स का क्या है कि अगर हम बात करें अपर पार्ट ऑफ एटमोसफेयर की तो वहां के पार्टिकल्स क्या है छोटे छोटे हैं जो वेवलेंथ है उनसे भी छोटे है यानी कि वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन से भी पार्टिकल्स छोटे हैं अब उन पार्टिकल्स की वजह से जो स्कैटरिंग हो रही है उसको हम रेलिक्स कहेंगे और वही आपकी सेलेक्टिव भी है ठीक है अब अगर बात करें माई की तो अगर लोअर पार्ट ऑफ एटमोसफेयर की बात करें तो लोअर पार्ट ऑफ एटमोसफेयर में क्या है जो पार्टिकल्स हैं

और जो पार्टिकल्स इसमें वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं वो सेम एफिशिएंसी से करते हैं यानी कि हर वेवलेंथ की जो आपकी हर वेवलेंथ की जो रेडिएशन है जो स्कैटर कर रही है पार्टिकल की वजह से नॉन सेलेक्टिव में ठीक है उसकी एफिशिएंसी क्या होगी सेम होगी इसी की वजह से जो हमें क्लाउड दिखता है इमेज में वो क्या दिखता है वाइट दिखता है ठीक है ड्यू टू नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग की वजह से कहने का मतलब है जो पार्टिकल्स हैं ठीक है ठेके? जो कि टेन टाइम्स मोर देन वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन है वो हर वेवलेंथ के चाहे वो दो मीटर दो माइक्रोमीटर हो आठ माइक्रोमीटर हो तीन माइक्रोमीटर तो हर वेवलेंथ की ठीक है हर वेवलेंथ को इक्वल एफिशिएंसी से क्या करते हैं स्कैटर करते हैं इसी की वजह से जो आपका क्लाउड्स होते हैं वो आपका इमेज में क्या दिखते हैं व्हाइट दिखते हैं ठीक है क्लियर है तो ये आपकी बात हो गई स्कैटरिंग की अब नेक्स्ट आता है इसी में अब्जॉर्प्शन एबजॉर्प्शन आप समझ ही रहे हैं कि जो रेडिएशन आ रही है जो पार्टिकल्स होंगे वो कुछ ना कुछ उस रेडिएशन से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे अब जितनी एनर्जी पहुंचनी थी टारगेट तक उतनी नहीं पहुंच पा रही है अब जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी यू रीजन का और जो वाटर वेपर है वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी इन इन्फ्रारेट रीजन ठीक है अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है एटमोस्फिर विंडोज ठीक है एटमोस्फिर विंडोज का मतलब क्या होता है द वेवलेंथ एट दिवलिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर पार्शली और होली ट्रांसमिटेड थ्रू द एटमोसफेयर आर नोन एज एटमोस्फेरिक विंडोज अब कहने का मतलब है जो रेडिएशंस आ रही हैं सोर्स से अब वो एटमॉसफेयर से पूरी या पार्शली ट्रांसमिट कर जाए यानी कि बहुत कम आपका स्केटरिंग और ऑब्जॉर्प्शन हो ठीक है तो इस तो इसको हम कहते हैं आपका एटमोस्फेरिक विंडो ठीक है इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक विंडो देखिये जो आपका अमाउंट ऑफ स्केटरिंग है ऑब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे और साथ ही साथ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं है तो आपका कहने का मतलब है कोई भी स्कैटरिंग और आपका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा यानी कि ठीक है तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है डिफरेंट गैसेज भी प्रेजेंट है तो वो आपकी क्या करते हैं आपके रेडिएशन्स को क्या करते हैं स्कैटर भी करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं और अलग अलग वेवलेंथ के लिए ठीक है पार्टिकल्स क्या है अलग जैसे आप माईस्केटर्स में देख रहे हैं माई स्कैटर क्या हो रहा है पार्टिकल वही पार्टिकल आपके स्कैटर करेंगे माई स्कैटरिंग में जो कि वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन के क्या होंगे बराबर होंगे ठीक है इसी तरह नॉन सेलेक्टिव है इसी तरह सेलेक्टिव स्कैटरिंग है यानी कि वो एब्जॉर्प्शन और स्केटरिंग कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर पर डिपेंड तो करती है साथ ही साथ वेवलेंथ पर भी डिपेंड करती है ठीक है तो हमें ये चाहिए कि जो भी आपकी मान लेते हैं रिफ्लेक्टेड एनर्जी है, है ठीक है जो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड एनर्जी जो सेंसर की तरफ जा रही है ठीक है उस एनर्जी की वेवलेंथ ऐसी हो कि वो पूरी तरीके से ट्रांसमिट कर जाए ठीक है यानी कि उसमें बहुत ही कम आपका स्कैटरिंग हो और या तो बहुत ही कम आपका क्या हो एब्सॉर्प्शन हो तो इसी को हम क्या कहते हैं एटमोसफेरिक विंडोज और यही मदद करता है रिमोट सेंसिंग डेटा को एक्वायर करने के लिए तो द वेवलेंथ एट विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर पार्शली और होली ट्रांसमिटेड थ्रू द एटमोस्फेयर आर नोन एज एटमोस्फेरिक विंडोज एंड आर यूज टू एक्वायर रिमोट सेंसिंग डेटा ठीक है तो अगर हम एटमॉस्फेरिक विंडोज़ की बात करें तो ये है ठीक है कि जो आपकी पर्टिकुलर ये सब जो है ये सब आपका वेवलेंथ दिखाया गया है कि इस वेवलेंथ की रेंज आपकी पार्शली और होली ट्रांसमिट हो जाती है ठीक है इधर भी हो जाती है ये वाली भी हो जाती है ये भी हो जाती है तो ये आपकी एटमॉस्फेरिक विंडोज़ है ठीक है तो अगर इन वेवलेंथ ठीक है अगर ये वेवलेंथ आ रही है ठीक है ऑब्जेक्ट की तरफ तो आपका क्या होगा वो पूरी तरीके से ट्रांसमिट हो जाएंगी पूरी तरीके से क्या हो जाएंगी ट्रांसमिट हो जाएंगे या तो पार्शली आपकी ट्रांसमिट हो जाएंगे ठीक है तो जो सेंसर होना चाहिए द सेंसर ऑन रिमोट सेंसिंग मस्ट बी डिजाइन इन इन सच अ वे एज टू डेटा विद दीज वेल डिफाइंड क्योंकि अगर ये जो आपको मैंने अभी दिखाया था ये ये फिगर मैंने दिखाया था कि अगर इन वेवलेंथ की रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो रही है तो आपकी वो सेंसर पे प्रॉपरली पहुंच जाएंगी ठीक है सेंसर पे वो क्या हो जाएंगी प्रॉपरली पहुंच जाएंगी और सेंसर इनको पूरी तरीके से रिकॉर्ड करके एक बेटर क्वालिटी की इमेज क्या कर देगा प्रोवाइड कर देगा तो जो सेंसर होना चाहिए वो इन एटमॉस्फेरिक विंडोज़ पे डिज़ाइन करना चाहिए ठीक है जो सेंसर होना चाहिए वो एटमॉस्फेरिक विंडोज़ के पे डिपेंड करता है और उन्हीं पे क्या करना चाहिए उसको डिज़ाइन करना चाहिए ठीक है या तो सेंसर को ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए कि सेंसर ये एटमॉस्फेरिक विंडोज़ जो हैं उन्हीं डेटा को क्या करें उन्हीं वेबलेंथ को क्या करें रिकॉर्ड कर सकें ठीक है क्योंकि ये वेबलेंथ क्या होती है पूरी तरीके से या तो ट्रांसमिट हो जाती है तो पार्शली आपकी क्या होती है ट्रांसमिट हो जाती है तो ये आपका था इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ एटमॉस्फेयर